हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल कपल्स रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं उड़ीसा स्टाइल छेना मुड़की। तो चलिए अभी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। छेना मुड़की बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर, इसको हमने लंबे लंबे शेप में काट लिए हैं, शक्कर और इलायची पाउडर। अब एक कढ़ाई में डालेंगे 1/3 कप शक्कर। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए कैरामेलाइज होने देंगे। ये देखिए, शक्कर जो है हम लोग का कैरामेलाइज होना शुरू हो चुका है। इसे थोड़ा सा चला लेंगे और इसे कुछ देर के लिए और पकने देंगे, जब तक ये पूरी तरह से कैरामेलाइज ना हो जाए। कुछ समय के बाद ये देखिए, शक्कर जो है पूरी तरह से कैरामेलाइज हो चुका है। अब इसमें डालेंगे बाकी के बचे शक्कर, फिर इसमें डालेंगे पानी। याद रखिए, जितना हमने शक्कर लिया था उससे 2 गुना पानी ऐड करेंगे। अब हाई फ्लेम पे इसे बॉईल होने देंगे, जब तक कि शक्कर जो है मेल्ट ना हो जाए। कुछ समय बॉईल होने के बाद ये देखिए, शक्कर जो है पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, मिक्स कर लेंगे इसे और इसे अगले 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। दो मिनट हो चुके हैं, अब इसमें ये पनीर क्यूब्स को एक एक करके डाल देंगे। हल्का सा मिक्स कर लेंगे इसे और इसे अगले 5 से 10 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम में बॉईल होने देंगे। लगभग 10 मिनट के बाद ये देखिए, ये पनीर का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब इसे इसी तरह से अगले 20 से 25 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम में बॉईल होने देंगे। ध्यान रखिए, ये पनीर क्यूब्स को हम बीच बीच में पलटाते रहेंगे ताकि पनीर के अंदर शुगर सिरप अच्छे से घुस जाए। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए पनीर का कितना अच्छा कलर भी आ रहा है। अब गैस बंद कर लेंगे और इसे 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। 2 घंटे के बाद ये छेना मुड़की ठंडा हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे सर्व करेंगे। अगर आपको ये छेना मुड़की की रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल कपल्स रसोई को सब्सक्राइब कीजिए।